रखिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। आरोपी अमन सिंह को 4 दिन की सीबीआई रिमांड में भेजा गया है। धनबाद से हुई थी गिरफ्तारी। आरोपी अमन सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पेपर लीक कांड में फरार रॉकी का बेहद खास है अमन। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भांजा है रॉकी और रॉकी का खास है अमन। और अमन को जो है वो 4 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा गया है। तो 4 दिनों की सीबीआई रिमांड जो है वो अमन को दी गई है। धनबाद से गिरफ्तारी हुई थी अमन की। मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का भांजा है रॉकी। नीट पेपर लीक से जुड़ी एक खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आरोपी अमन सिंह को 4 दिनों की सीबीआई रिमांड। धनबाद से आरोपी अमन सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। और नीट पेपर से जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नीट पेपर लीक, आरोपियों पर शिकंजा। हजारीबाग ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल की बड़ी रिमांड। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल की 4 दिन रिमांड बढ़ा दी गई है। प्रिंसिपल समेत 3 आरोपियों की रिमांड बढ़ी है। देवघर से गिरफ्तार चिंटू की भी 4 दिन रिमांड बढ़ा दी गई है। तो 4 दिनों की रिमांड बढ़ाई गई है उन लोगों की, ओएस स्कूल से जो जुड़े हुए थे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, साथ ही चिंटू को लेकर जो जानकारी मिल रही है, 4 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है। और वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है सीबीआई, क्योंकि 8 जुलाई को एनटीए अपना जवाब पेश करेगी और एक रिपोर्ट जो है जो ईओयू की तरफ से तैयार की गई है वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में पेश की जाएगी, जिस आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। रितेश मिश्रा पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रितेश, क्या जानकारी है अमन सिंह को लेकर, साथ ही ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल की रिमांड भी बढ़ा दी गई है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमन सिंह को सीबीआई की टीम पटना लेकर पहुंच चुकी है और आज सुबह उसको एलएनजेपी अस्पताल लेकर जो सीबीआई की टीम है वो पहुंची। वहां पर सारी प्रक्रिया, उसका हेल्थ चेकअप किया गया और उसके बाद फिर उसे सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद फौरन वहां से उसे रिमांड मिल गई। 4 दिन की रिमांड अमन की मिली है और कहा जा रहा है कि अमन काफी महत्वपूर्ण मोहरा है पेपर लीक मामले में और उससे कई सारी अहम जानकारी सीबीआई को मिली है और अगले 4 दिन में उससे पूछताछ में कई अहम सुराग मिल सकते हैं जो सीबीआई को आगे की लीड दे सकते हैं। दूसरा अपडेट यह है कि इंडिया न्यूज की खबर पर लगातार मोहर लग रही है और इस बार भी मोहर लगी है। हमने पहले ही बताया था कि 4 लोगों की रिमांड जो है वो बढ़ सकती है और उस पर मोहर लग गई है। देखिए कि हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जिनको रिमांड पर पहले सीबीआई ने लिया था, एहसानुल हक, उनकी रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा स्कूल के वाइस प्रिंसिपल और जो पत्रकार, जो लोकल पत्रकार है हजारीबाग का, उसकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा झारखंड के देवघर से जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें एक चिंटू महत्वपूर्ण कड़ी था, उसको भी 4 दिन की रिमांड पर पहले सीबीआई ने लिया था, उसकी भी रिमांड बढ़ा दी गई है। यानी ये जो 4 लोग हैं ये काफी महत्वपूर्ण कड़ी हैं नीट पेपर लीक मामले में और इनसे काफी अहम जानकारी सीबीआई को मिल रही है और उसी के आधार पर सीबीआई लगातार देश के कई हिस्सों में वो दबिश बढ़ा रही है, कई जगहों पर उसने छापेमारी की है। तीसरा बड़ा अपडेट यह है कि अमन सिंह ने कई सारे राज फाश किए हैं और सीबीआई की एक टीम जमशेदपुर में भी कैंप कर रही है और जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि पेपर लीक मामले में जमशेदपुर का भी बड़ा कनेक्शन सामने निकल कर आया है और अगले 1 से 2 दिनों में ये भी बेनकाब होगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि एहसानुल हक जो लोकल पत्रकार है उससे सीबीआई को काफी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और उसी महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर अमन सिंह की गिरफ्तारी हुई। और अब जब अमन की गिरफ्तारी हो गई है तो उसके जो भी उसने बातें बताई हैं उसके अनुसार अब सीबीआई बहुत जल्द गिरफ्त में लेने वाली है। इंडिया न्यूज ये सबसे पहले बता रहा है कि बहुत जल्द संजीव मुखिया, जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक मामले का, उसको और रॉकी को बहुत जल्द, क्योंकि उनके बारे में जो हमारे सोर्सेज हैं उनका कहना है कि सीबीआई को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और मुखिया और रॉकी की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 8 जुलाई पर सबकी निगाहें रहने वाली है, जब एनटीए को जवाब देना है और ईओयू की तरफ से रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा और ये फैसला जो है वो 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ होगा। अब बिल्कुल सही कहा आपने कि 24 लाख बच्चों के भविष्य की ये बात है
और ईओयू ने लगभग रिपोर्ट जो है वो पूरी तरीके से उसने तैयार कर ली है, क्योंकि ईओयू ने ही सबसे पहले पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया था। तो जो भी साक्ष्य सबूत पूछताछ में हो उसे क्या कुछ मिले, डिफरेंसेस क्या रहे, किसकी अरेस्टिंग हुई, अरेस्टिंग के बिना क्या थी, क्यों शक हुआ, इन तमाम बातों का जिक्र जो है ईओयू की टीम ने किया है। एक लंबी चौड़ी टीम है जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और सुपरविजन इसमें रही है जो ईओयू के एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्हीं की देखरेख में ये रिपोर्ट जो है वो तैयार हो रही है। जो सोर्सेज है उनका कहना है कि लगभग रिपोर्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुकी है। जो ईओयू के डीआईजी हैं उन्होंने भी इस पूरे रिपोर्ट को तैयार किया है। और इसके अलावा जो ईओयू के अपने जो एडवोकेट्स होते हैं, जो उनकी अपनी लीगल टीम है, अब ये पूरी इस पूरे रिपोर्ट को वो फाइनलाइज कर रही है ताकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस रिपोर्ट को सौंपा जाए तो कहीं उसमें लूपहोल ना हो, कहीं ईओयू की जांच पर सवाल ना उठे या आधे अधूरे रिपोर्ट की बात ना आए, क्योंकि ये देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है और ईओयू इस बात को बखूबी समझ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रितेश। आप इस खबर पर नजर रखिएगा। इसी बीच एक बड़ी खबर का